आप लोग अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करने के लिए बोलो क्योंकि मेरे पास तो किसी का नंबर है नहीं आप लोग बोल सकते हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करने के लिए बोलो एटलीस्ट जो ज्वाइन होना चाहते हैं आज भी शिका नहीं है क्या आप लोगों ने नोट्स लिए सर से मैंने पूछा आप लोगों ने नोट्स लिए क्या सर से नहीं तो आप लोग सर से मांगिए बेटा वो आपको नोट्स अवेलेबल कराएंगे क्योंकि नोट्स के बिना मैं कितना भी पढ़ाती जाऊं आप लोगों को समझ में नहीं आएगा है ना तो बेटर है आप लोग नोट्स ले लीजिए जिससे कि उसको एटलीस्ट घर पे जाके कंटिन्यू रनिंग में कर सको ओके चलिए कल मैंने आपको एक रीजनरेटिव कूलिंग प्रोसेस बताया था है ना तो रीजनरेटिव कूलिंग प्रोसेस में रीजनरेटिव कूलिंग प्रोसेस में बेटा आपकी एफिशिएंसी रह गई थी तो ये देखिए एफिशिएंसी सीऑफ रिजेनरेटिव कूलिंग ओके एफिशियंसी निकालने है. अब देखिए आप लोगों को पता है ऑलरेडी की एफिशियंसी निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता है कि regenerative cooling में आपको पता है कि एंथेलपी जो है वो जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट की तरह कॉन्स्टेंट रहती है तो जैसे ये जूल थॉमसन इफेक्ट में एंथेल्पी कॉन्स्टेंट होती है सिमिलरली रिजेनरेटिव कूलिंग प्रोसेस भी किसके कॉन्सेप्ट पे आपके जूल थॉमसन इफेक्ट पे दैट मीन रीजनरेटिव कूलिंग प्रोसेस में भी आपकी जो एंथेल्पी है वो क्या रहेगी कॉन्स्टेंट रहेगी ओके okay? और आप जानते हो ऑलरेडी कि एंथेल्पी जो होती है वो एक एनर्जी की फॉर्म होती है होती है कि नहीं तो एंथेल्पी जब एन आ, एनर्जी की फॉर्म है डेट में आपके रीजेनरेटिव कूलिंग प्रोसेस में जो एक एनर्जी है वो क्या रहती है कॉन्स्टेंट रहती है और डेट्स वाई वो आपके एनर्जी का जो रूल है उसको भी फॉलो करेगी ठीक है अब देखिए मैंने मान लिया कि आपके इनिशियल स्टेट में इनिशियल स्टेट में गैस का मॉलिक्यूल एक है ओके एक मॉलिक्यूल है जिसका टोटल मॉलिक्यूल कितना है एक उसका बेटा उसकी जो एंथेल्पी है इनिशियल में इसकी जो इनिशियल स्टेट में पूरा मॉलिक्यूल एक है हंड्रेड परसेंट है उसकी जो एंथैल्पी है वो हुई एच आई इनिशियल एंथैल्पी एच आई ओके फिर उसने कहा कि जब हम रीजनरेटिव कूलिंग प्रोसेस लगाते हैं तो रीजनरेटिव कूलिंग प्रोसेस लगाने के बाद में मान लो एक्स पार्ट इस वन का एक्स पार्ट जो है वो आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि कल मैंने क्या बताया था रिजनरेटिव प्रोसेस में टेम्परेचर कम किया जाता है और टेम्परेचर कम करने का मतलब क्या हो गया कि इतना टेम्परेचर कम किया जाता है कि गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सके तो अब जब मैंने माना कि टोटल पार्ट वन है और वन में से एक्स पार्ट जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है किसमें कन्वर्ट हो चुका है लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है जब लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है तो इसकी जो एंथेल्पी है वो है आपकी एच एल एच लिक्विड लिक्विड का जो पार्ट है एक्स पार्ट उसकी एंथैल्पी कितनी मान ली हमने एच एल ठीक है अब बाकी का बचा पार्ट कितना एक्स जो कि अभी भी गैस है क्या है गैस क्योंकि केवल एक्स पार्ट किस में कन्वर्ट हुआ है लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है और वन माइनस एक्स जो पार्ट है वो अभी भी गैस है और उसकी जो एंथैल्पी है फाइनल एच एफ है कितनी है एच एफ अब हमें निकालनी है क्या अब हमें निकालनी है आपकी एंथेल्पी ठीक है तो देखिए एंथेल्पी कैसे निकालते हैं बेटा इसी का क्यों नहीं ले रही है क्लास आज भी नहीं आई है वो देखिए अब देखिए एंथेल्पी कैसे निकालते हैं मैंने क्या कहा था अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन लॉ एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ क्या होता है देखिए आपका टोटल पार्ट कितना था इतना और उसकी एनर्जी यही तो थी ठीक है फिर बाकी का एक्स पार्ट एक्स पार्ट की एंथेल्पी कितनी है एच एल ठीक है बाकी का बचा हुआ पार्ट कितना है वन माइनस एक्स इसकी एंथेल्पी कितनी है एच एफ ठीक है ये इन दोनों का एडिशन इसके बराबर क्योंकि तो इसका एक्स पार्ट तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है बाकी का पार्ट गैस में है जिसकी कितनी है एच एफ तो ये आपका एनर्जी कंजर्वेशन लो है क्योंकि तो आपकी एनर्जी ही है अब यहां से देखिए हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो देखिए ये देखिए वन इन टू एच आई एच आई बराबर एक्स एच एल प्लस एच एफ माइनस एक्स एच एफ ठीक है अब देखिए इसको यहां ली ले लिए, लिए तो H I माइनस H F बराबर इसमें से X कॉमन ले लो H L माइनस H F ओके X H L माइनस H F ठीक है तो देखिए आगे यहाँ से X की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये इसके नीचे चला जाएगा तो H I माइनस H F अपॉन एच एल माइनस एच एफ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एच एफ माइनस एच आई अपॉन एच एफ माइनस एच एफ क्योंकि दोनों में से एच एफ एच एफ कॉमन ले लिया माइनस साइन के साथ में तो भी यही आएगा तो ये हो गई आपकी एफिशियंसी कि कितना पार्ट जो है एक्स क्या था जो चेंज हुआ किसमें लिक्विड में तो लिक्विड में चेंज होना ही तो इसका मेन एम है तो डेट मीन एक्स क्या है इसकी एफिशियंसी और वो कितनी आई है एच एफ माइनस एच आई अपॉन एच एफ माइनस एच इस फॉर्मूले को लिख लीजिए लास्ट में उससे रिलेटेड में एक दो क्वेश्चन करा देती हूँ आपको पहले ठीक है चलिए करिए हो गया ये हो गई आपकी एफिशिएंसी क्वेश्चन है आपका देखिए पहला क्वेश्चन टू नाइनटीन कैलोरी नाइनटी कैलोरी एच एफ इक्वल टू एच एफ है बेटा आपका वन ट्वेंटी एंड एच एल है आपका फिफ्टी कैलोरी ठीक है तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है डेट मीन एफिशियंसी निकालनी है निकालिए और आंसर बताइए मुझे जल्दी फास्ट कीजिए आंसर बताइए कितना आया है जल्दी बताइए अच्छा मैथमेटिकल mathematical... 0.43 फोर थ्री करेक्ट सोनम यू आर करेक्ट सोनम के अलावा किसी और का आंसर आया केशव नमन कैन यू प्लीज टेल मी आपका आंसर आया या नहीं नमन मैंने आपसे कुछ पूछा है आप उसका रिस्पॉन्स कीजिए चलिए देखिए कैसे ओके तो एच एफ कितना है नाइनटी अपॉन वन ट्वेंटी माइनस फिफ्टी ओके तो ये हो गया थर्टी अपॉन ये हो गया सेवेंटी जीरो पॉइंट फोर थ्री बट बेटा यू नो वेट यू नो वेरी वेल की एफिशियंसी हमेशा परसेंट में होती है डेट मीन एक्स की वैल्यू जो आएगी वो फोर्टी थ्री परसेंट हो जाएगी क्योंकि हम इसका मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे हंड्रेड से ठीक तो एफिशियंसी हमेशा क्या होती है हाँ थ्री बाई सेवन ओके ओके सभी का आ गया ना ठीक है चलिए नेक्स्ट है जो आपका वो है आपका बेटा न्यू टॉपिक न्यू टॉपिक का मतलब है कि थर्ड प्रोसेस जो है आपका किस चीज का वही टेम्परेचर को कम करने का क्योंकि इस यूनिट का नाम ही क्या था कि टेम्परेचर को कम करना तो देखिए नेक्स्ट है आपका कूलिंग वायडेबेटिक कूलिंग वायडेबेटिक एक्सपेंशन एक्सपेंशन थर्ड है आई मीन थर्ड जो आपकी एक्सपेरिमेंट है वो है आपकी कूलिंग बाय एडियाबेटिक एक्सपेंशन इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पी और वी में क्या रिलेशन होता है टी और वी में क्या होता है और टी और पी में क्या होता है ठीक है तो वो सब मैं बता देती हूँ देखिए इसमें क्या होता है बेटा आपको पहले मैं आपको एक चीजें बता देती हूँ उसके बाद बताती हूँ किस प्रोसेस में क्या होता है देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस इस प्रोसेस में होता क्या है देखिए इस प्रोसेस में पी और वी के बीच में जो रिलेशन होता है वो इतना होता है बताया था मैंने फिर आता है टी वी गामा माइनस के ये भी मैंने बताया था आपका अब थर्ड रिलेशन किस किस के बीच में टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में तो वो होता है आपका टी पी वन माइनस गामा अपॉन गामा इक्वल्स टू के ठीक है आप ये तीनों रिलेशन हमेशा याद रखिए किसके लिए एडेबेटिक प्रोसेस के लिए, लिए. क्योंकि कहीं भी पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ठीक है तो देखिए इसमें आगे इस प्रोसेस में होता क्या है देखिए बेटा इस प्रोसेस में भी सेम जैसे आपके जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में क्या होता था टेम्परेचर को कम किया जाता था कैसे इंटरनल एनर्जी को कम करके तो देखिए इसमें भी क्या किया जाता है ये भी टेम्परेचर को कम करने के लिए ही यूज होती है और इसमें भी टेम्परेचर को कम किया जाता है ठीक है अब देखिए इसमें क्या होता है इस एक्सपेरिमेंट में ये ये एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट जो है ये भी आपका जूल थॉमसन के बेस पे वर्क करता है ठीक है और इसमें भी हम एक पोरस प्लग का यूज करते हैं किसका यूज करते हैं एक पोरस प्लग का मैंने क्या कहा ये एक्सपेरिमेंट भी आपके जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट पे ही है और इसमें भी आपके क्या कहते हैं पोरस प्लग का यूज किया जाता है और पोरस प्लग के थ्रू ही हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड में गैस का फ्लो किया जाता है तो जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर यानी कि प्रेशर की बात हो रही है तो प्रेशर तो आएगा ही आएगा इसमें है ना हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हम गैस का फ्लो करते हैं और वो फ्लो जो होता है वो भी किसके थ्रो हो रहा है इसमें भी पोरस प्लग के थ्रो और इसमें क्या होता है बेटा जब आपकी गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको इंटर मोलिक्यूलर फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ता है ठीक है तो डेट मीन उनके बीच की जो एनर्जी है इंटरनल एनर्जी वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी क्योंकि हमें अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है तो तो वर्क करना पड़ रहा है ना जब वर्क करेंगे तो अपनी अंदर की एनर्जी में क्या आएगी कमी आएगी मीन इंटरनल एनर्जी में क्या हो हो जाती जाती है है कमी है, और इंटरनल एनर्जी में जब भी कमी होती है तो मैं आपको बार बार बोल चुकी हूँ इंटरनल एनर्जी में जब भी कमी होगी तभी टेम्परेचर में क्या हो जाती है कमी होती है डेट बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर तो इस तरीके से इस प्रोसेस में भी पोरस प्लग के थ्रू आपका जो टेम्परेचर है वो क्या किया जाता है कम किया जाता है अब देखिए अब इसमें भी फिर अगर जब हम टेम्परेचर कम हो गया डेट मीन वो कौन सा इफेक्ट शो कर रही है कूलिंग इफेक्ट शो कर रही है कर रही है कि नहीं तो जब कूलिंग इफेक्ट शो कर रही है बट बेटा इसमें भी जैसे ही कूलिंग इफेक्ट टेम्परेचर क्या हुआ कम हुआ तो आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हो क्या होने लग जाएंगे इसलिए इसका नाम क्या है एक्सपेंशन कूलिंग बाय अब का मतलब क्या है देखिए इस प्रोसेस में इस प्रोसेस में हम एक हीट इंसुलेटेड पार्ट का यूज करते हैं किसका यूज करता है हीट इंसुलेटेड पार्ट का हीट इंसुलेटेड पार्ट का यूज करने की वजह से वो ना तो हीट को ले पाता है ना ही हीट को दे पाता है डेट्स वाई इसका जो नाम है वो है कूलिंग बाय एडियाबेटिक एक्सपेंशन तो देखिए यहाँ पे एक्सपेंशन हो गया और कूलिंग भी हो गई और किस प्रोसेस के थ्रू हुई है एडोबैटिक तो क्योंकि हम क्या कहते हैं कूलिंग बाय एडोबैटिक एक्सपेंशन यहाँ पे भी टेम्परेचर को क्या किया जा रहा है कम और इसी सेम किस प्रोसेस के थ्रू जूल थॉम्सन तो इसमें भी हम मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है इसमें सेम प्रोसेस ही होगा बस अब आप देखिए मान लो इनिशियल कंडीशन में आपके जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो प्रेशर है वो है इनिशियली इनिशियली प्रेशर कितना है Pi. और कितना टी आई फाइनल कितना है फाइनल प्रेशर है पीएफ और टेम्परेचर है टीएफ क्योंकि टेम्परेचर में कमी आई है और प्रेशर भी कम हुआ है अब देखिए अकॉर्डिंग टू adiabatic प्रोसेस ठीक है तो क्या होता है टी आई पी आई वन माइनस गामा अपॉन गामा क्योंकि टी और पी के बीच में बात हो रही है तो टी और पी के बीच में बात हो रही है तो एडबेटिक प्रोसेस तो से मैंने अभी आपको बताया ये होता है इक्वल्स टू के ये तो इनिशियल कंडीशन के लिए सेम फाइनल के लिए आएगा टीएफ पी एफ वन माइनस गामा अपॉन गामा बराबर तो वन हो गया और ये सेकंड इक्वेशन हो गई फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये भी के इक्वल -के है, के -के -के है ये दोनों भी एक दूसरे के होंगे तो देखिए बराबर ठीक है तो यहां से अब आपको निकालना क्या है फाइनल टेम्परेचर तो देखिए फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू निकालिए टीएफ की कैसे आएगी Tf एफ इक्वल्स टू टी आई पी अपॉन वन माइनस कावा अपॉन का ये हो गया आपका फाइनल टेम्परेचर निकालना कि फाइनल टेम्परेचर में कितनी कमी आई है वो हम बता दूंगी ठीक है चलिए ये भी हो गया और यही आपकी फाइनल कंडीशन के टेम्परेचर को शो करता है ठीक है चलिए एक क्वेश्चन कीजिए इसमें एग्जाम्पल लिखिए एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखिए पी आई टू वन फिफ्टी एटमोस्फेयर है एंड पी एफ इक्वल टू पी एफ इज इक्वल टू है वन एटमोसफेयर ठीक है एंड टी आई जो है वो है आपका हेनरी कैलविन तो टी एफ आपको फाइंड आउट करना है करिए करिए फाइंड आउट और मुझे आंसर बताइए हाँ एक चीज और पूछनी है सॉरी थ्री हंड्रेड कैलवेन है एंड आपको गामा दे रखा है इसने बेटा गामा की वैल्यू भी तो चाहिए ही हमें तो गामा जो दे रखा है वो है आपका वन पॉइंट थ्री ये कॉन्स्टेंट है इसलिए इसकी यूनिट नहीं होती ठीक है चलिए करके बताइए वट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन

आंसर नहीं आया किसी को भी इतने इजी इजी क्वेश्चन हैं मैथ में आप लोग इंटेलिजेंट होते ही हो ऑलरेडी तभी तो मैथमेटिक्स तो लेते हो फिर भी आपको नहीं आ रहा जल्दी कीजिए और आंसर बताइए मुझे आंसर बेटा कोई तो बताइए सोनम आंसर दीजिए केशव अमन आंसर दो देखिए आप लोगों ने तो किया नहीं मेरे को ही कराना पड़ेगा इतना इजी का क्वेश्चन नहीं हुआ आप लोगों पे देखिए टीएफ निकालना है तो टी एफ टी एफ इज इक्वल टू टी आई कितना है देखिए थ्री हंड्रेड कैलवीन अपॉन पी आई कितना है वन फिफ्टी एंड पी एफ कितना है वन ओके अब वन माइनस अपॉन वन पॉइंट थ्री ठीक है देखिए थ्री हंड्रेड वन फिफ्टी अपॉन माइनस के जीरो पॉइंट थ्री अपॉन वन पॉइंट थ्री ठीक है ये पावर आ गई इसकी माइनस के जीरो पॉइंट थ्री पॉइंट थ्री तो देखिए आगे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल तो ये हो जाएगा थ्री हंड्रेड माइनस में ना नीचे ले जाओ बेटा वन फिफ्टी थ्री अपॉन थर्टीन ये वैल्यू आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो और जब इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पे टी एफ की वैल्यू आती है नाइनटी सिक्स ओके ठीक है चलिए हो, हो गया अब आगे देखिए नेक्स्ट प्रोसेस तीन प्रोसेस हो गए फर्स्ट प्रोसेस जूल थॉमसन सेकेंड प्रोसेस रिजेनरेटिव कूलिंग एंड थर्ड प्रोसेस है आपका वो जो मैंने कूलिंग बाय एडियाबेटिक एक्सपेंशन ठीक है तो देखिए फर्स्ट प्रोसेस में क्या था था मैंने बता दिया थॉमसन कर तो की तरह लेकिन उसमें इतना टेम्परेचर कम करते हैं कि गैस को किसमें कन्वर्ट कर लिक्विड में कन्वर्ट कर दें ठीक है थर्ड में क्या होता है होता तो उसमें भी टेम्परेचर ही कम है लेकिन उसमें हम एक आपके हीट इंसुलेटेड का यूज करते हैं और उसके लिए टी और पी में रिलेशन जो आता है वहां से फाइनल टेम्परेचर निकालते हैं तो तीन प्रोसेस तो ये आपके हो गए फोर्थ प्रोसेस है इसमें लास्ट प्रोसेस फोर्थ देखिए पोर्ट प्रत है ओके सोनम ओके केशव देख ले मैंने पोर्ट है आपकी कूलिंग वाय एडियाबेटिक कूलिंग वाय एडियाबेटिक कूलिंग वाय एडियाबेटिक डी मैग्नेटाइजेशन डी मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस ये है आपका फोर्थ एंड लास्ट प्रोसेस ठीक है तो देखिए इसमें क्या होता है इसमें बेटा बात डीमैग्नेटाइजेशन की है तो डीमैग्नेटाइजेशन से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज करेंगे और फिर उसको हटाएंगे ठीक है तो डीमैग्नेटाइज़ तभी तो होगी कोई ना कोई चीज अब उससे टेम्परेचर कैसे कम होगा वो मैं आपको बताती हूँ देखिए सबसे पहले तो इस एक्सपेरिमेंट को यूज क्यों करते हैं जोल थॉमसन एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो टेम्परेचर है वो 0.82 केल्विन तक कम किया जाता है ठीक है वेयर एज इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम टेम्परेचर को 10 टू द पावर -3 केल्विन तक कम करते हैं ठीक है दैट्स व्हाई ये प्रोसेस यूज किया जाता है ठीक है अब देखिए इस प्रोसेस में हम पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक जो सॉल्ट होते हैं पैरामैग्नेटिक जो सॉल्ट होते हैं उनका टेम्परेचर क्या किया जाता है कम किया जाता है और इस प्रोसेस में पैरामैग्नेटिक सॉल्ट के फॉर्म में गैडोलियम सल्फेट लेते हैं कौन सा लेते हैं गैडोलियम सल्फेट तो पहली बात तो ये कि इसमें इतना टेम्परेचर कम किया जाता है दूसरी बात हम इसमें जिन सॉल्ट का जिन पदार्थों का हम यूज जिन सॉल्ट का हम टेम्परेचर कम करते हैं वो पैरामैग्नेटिक सॉल्ट होते हैं और वो इस प्रोसेस में जो यूज किया गया है वो गैडोलियम सल्फेट है। है? क्यों? तो उसपे कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे थे बट ये नहीं करता है ठीक है तो देखिए इसको समझाने से पहले मैं ऐसा करती हूँ क्लास को रिजॉइन करवा लेती हूँ ठीक है आप तो क्लास रिजॉइन कीजिए